हम लोग 3 4 5 दिन से जो भी इंस्ट्रक्शन कैंडिडेट्स को हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संगठन के पदाधिकारियों को जो हम दे सकते हैं वो दे रहे हैं। दिल्ली AICC से भी हमारे पास में जो निर्देश आ रहे हैं उसको भी हम नीचे के लेवल पे दे रहे हैं। और ये जो चुनाव है ये बहुत ही अहम चुनाव है। अहम चुनाव इसलिए है कि पूरी तरीके से निर्वाचन आयोग को भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ने घेरे में ले रखा है, दबाव बना रखा है। और जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि चाहे वो हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से या प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से चुनाव आयुक्तों को जो भी शिकायतें की गई, एक भी शिकायत के ऊपर किसी को नोटिस नहीं दिया गया। तो एक तरीके से चुनाव आयोग पंगू बन गया है और देश की जनता ने शानदार चुनाव लड़ा। जो मुद्दे थे देश के लोगों के, उन मुद्दों के ऊपर उन्होंने वोट किया है। देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए, और देश में जो 10 साल से तानाशाही चल रही है उसको उखाड़ फेंकने के लिए देश के लोगों ने वोट दिया है। परिणाम कल 4 तारीख को आएंगे, लेकिन हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि राजस्थान में जिस प्रकार से प्रदेश की जनता ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आशीर्वाद दिया है, मेहनत की है, और वो जो वोटिंग की है वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में की है, और अच्छी खासी सीटों के ऊपर हम लोग जीत करके यहां से इंडिया गठबंधन की सरकार में शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई मुद्दे नहीं थे, क्योंकि 10 साल से मोदी सरकार जो काम कर रही थी उसमें कोई काम उन्होंने कोई ऐसा किया हो जिससे महंगाई कम हुई हो, बेरोजगारी कम हुई हो, किसान की आमदनी बढ़ी हो, बीपीएल परिवार जो थे वो कोई बीपीएल से निकल करके और मीडियम क्लास में आए हों, विदेश नीति में उन्होंने कोई अच्छा किया हो, आर्थिक नीति में कोई अच्छा किया हो, किसी भी सेक्टर में वो अच्छा नहीं कर पाए। ये जनता में गुस्सा था। और जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग केंद्र की सरकार कर रही थी और विशेष रूप से जो संविधान बदलने के लिए जो इनके MP RSS के लोग जो बयान दे रहे थे कि हमें 400 पार चाहिए क्योंकि हमको संविधान बदलना है, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए देश और प्रदेश की जनता ने वोटिंग की है। और राजस्थान में मेरा ऐसा मानना है कि 6 महीने में जो भजन लाल जी की सरकार है, जिसको हम लोग परिचित सरकार पूरे प्रदेश की जनता कहती है, वो पॉपुलर हो गई इस नाम से क्योंकि वो पर्ची से ही बने थे, बहुमत से या वोटिंग करा के नहीं बने थे, MLA की राय से भी नहीं बने थे। तो वो सरकार 6 महीने में कुछ भी काम नहीं कर पाई है। आप देखिए, दो चीजें उन्होंने, यमुना जल समझौता और ERCP का MOU की बातें करते रहे, एक बूंद पानी वो लाए नहीं। वो MOU आज तक उनके मुख्यमंत्री की हाथ लगा नहीं और जनता को वो दिखा नहीं पाए, मीडिया को वो दिखा नहीं पाए। वो केवल चुनाव तक का प्रोपोगंडा था। और जिस प्रकार का वातावरण इस प्रदेश में, जो कह रहे थे कि कांग्रेस के राज में अपराध बढ़ रहे हैं, आज इतने अपराध बढ़ रहे हैं, हमारी नाबालिग बेटियों के साथ में बलात्कार हुए हैं, महिला अत्याचार के मुद्दे में बढ़े हैं, आए दिन माफिया लूट डकैती हत्या वो कर रहा है, भ्रष्टाचार का पूरी तरीके से बोलबाला है, तो ऐसे में लोग ठगे गए। उन्होंने कहा कांग्रेस की इतनी अच्छी योजनाएं थी, मुख्यमंत्री चिरंजीव योजना, 25 लाख का इलाज था, इन्होंने न तो कोई गरीब का इलाज किया, हीट वेव जो थी उसके अंदर इन्होंने कोई इंतजामात की नहीं किए, लोग तेज लू से मरते रहे।
और यहाँ एसएमएस में 50-50 डेड बॉडी रोजाना आ रही थी, आधी से ज्यादा वहां पर अज्ञात डेड बॉडी थी, जो बेचारे कमाने खाने के लिए, मजदूरी करने के लिए यहाँ आए हुए थे, उनकी पहचान तक नहीं की गई, इनके कान पे जू नहीं रहेगी। आखिरी में मुख्यमंत्री जी ने एक मीटिंग ली और पता नहीं उस मीटिंग का क्या रिजल्ट आया, क्या इन्होंने व्यवस्थाएं की, हमारे सामने तो कोई मीडिया के माध्यम से या उनके प्रेस नोट के माध्यम से कोई बात आई नहीं, केवल मेहंदीपुर बालाजी में जाकर के, और उन्होंने कहा कि हीट वेव चल रही है, सब प्रसन्न रहे, देश के प्रधानमंत्री जी तीसरी बार बन रहे हैं। इसका मेरे तो समझ में नहीं आया कि हीट वेव का तीसरी बार बनने से क्या संबंध है। तो मैं समझता हूं कि इसलिए लोगों ने केंद्र की, मोदी सरकार की विफलताओं के ऊपर, हमारी कांग्रेस के न्याय पत्र और हमारी जो गारंटियां हैं उसके ऊपर विश्वास करके, और यहाँ पर राजस्थान में जो सरकार है वो सरकार नाम मात्र की है, उसने कोई काम नहीं किया, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए लोगों ने वोटिंग की और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को जिताने का काम कल की काउंटिंग के रिजल्ट से आया। अच्छा, 295 सीटें अगर आप भी जाती है तो चेहरा कौन देगा? बताया ना, हम सक्षम हैं तय करने में, और जब पहले इंडिया गठबंधन बना था उसी वक्त ये बात आ गई थी कि इंडिया गठबंधन का पूर्ण बहुमत आएगा, और आने के बाद में बैठ करके इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल प्रधानमंत्री के नाम का चयन कर लेंगे और शपथ लेंगे। अध्यक्ष जी, सर कल आपने हाईकमान को एक घंटे के हिसाब से बात की थी वीडियो कॉल से, अपनी तरफ से पार्टी के बारे में बताया कि यहाँ कितनी सीटें आ सकती है, एग्जिट पोल आपने देख लिए, आपका खुद का वो डोडासा जी का एग्जिट पोल क्या है राजस्थान और नेशनल लेवल? मेरा एग्जिट पोल यही है कि राजस्थान की जनता ने, 36 कोमों ने अच्छे वोट इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को दिए हैं, और भारतीय जनता पार्टी से चाहे एक सीट ही ज्यादा आए, हम लोग ज्यादा आए। और मैंने कल शायद खुलासा भी किया होगा कि हम लगभग लगभग 10 सीटों में 100% हैं, और 8 सीटें ऐसी हैं जहां पर हमारा एज है, हम उसमें प्लस हैं, क्लोज कंटेस्ट है बल्कि प्लस है, तो उसमें से 8 भी आ सकती हैं, 7 भी आ सकती हैं, 6 भी आ सकती हैं, 5 भी आ सकती हैं, ये मशीनों के अंदर काउंटिंग में सामने आएगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हम भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें यहाँ पर इंडिया गठबंधन की लेकर के जाएंगे। सर, काउंटिंग को लेकर के आपने एजेंट्स को कुछ खास डायरेक्शन दिए हैं कि वो पर्ची निकाल के और बिल्कुल देखिए, इसमें हजार तरह की बदमाशियां करने की चेष्टा है, और जैसा सूचना आ रही है, जो जयराम रमेश जी ने कहा है, अगर वो बात सत्य हुई कि 150 से ज्यादा डीएम्स को, कलेक्टर्स को अमित शाह जी ने फोन किए हैं, जो जयराम रमेश जी जैसा कह रहे हैं, अगर ऐसी कोई उनके पास सूचना है तभी उन्होंने कहा होगा, और अगर ऐसी बात है तो इससे बड़ा लोकतंत्र के लिए कोई कुठाराघात कोई हो नहीं सकता कि अपनी सत्ता का दुरुपयोग ये लोग बात कर रहे हैं। इसलिए हमने पूरी तरीके से पाबंद किया है कि जो आपका 17C फॉर्म है उसको मिलान कीजिए, हर कैंडिडेट के वहां पर कितने काउंटिंग में आए थे वो हर के मिलाइए। मान लीजिए हम कांग्रेस के एजेंट है, कांग्रेस का लिख लिया लेकिन नोटों में आए या तीसरे कोई कैंडिडेट के आए, वो बीजेपी के जोड़ के बता दिए, टोटल बराबर मिला दिया कि साहब 2000 वोट पड़े, ये 2000 का आंकड़ा लो, लेकिन उसमें बीजेपी के दूसरे नोटों वाले काउंटिंग कर दिए, तो हम क्या करेंगे? तो ये सारी चीजें हमारे दिमाग में है, और ये सब चीजें हमने नीचे तक कन्वे किया है, और सब लोग सतर्क हैं पूरे तरीके से। काफी लोगों ने तो, कैंडिडेट्स ने तो मशीन के पैरा भी लगाया है कि दिन रात उसकी चौकसी भी की है कि कहीं ये मशीनें बदल नहीं। स्ट्रॉन्ग रूम में पैरा कहाँ कहाँ लगाया? सीकर में भी है, कोटा में भी है, 3-4 जगह का तो मेरे पास सूचना है, बाकी बहुत सी ऐसी जगह है कि ये मशीन चेंज नहीं करती। कहीं आशंका है मशीन चेंज हो सकती है? और ये तो आशंका तो सब कुछ, ये तो मोदी सरकार का तो खेल ही आशंका उनका ही है, ये तो पूरा का पूरा। आप बताओ कि जो एग्जिट पोल आए उसमें जितनी सीटों पे जिस पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा उससे दुगुनी सीटें दे रहे, तो आप बताओ उस एग्जिट पोल का और मोदी जी का जो ये एक तरीके से जो बनाया हुआ है
उसका क्या किराया आप बताओ, किस तरीके से वहाँ कन्याकुमारी में जाकर के ऐसे बैठे हैं और 10-20 साल का एजेंडे के ऊपर मीटिंगें कर रहे हैं भाई, किस बात के? आप तो कल महामहिम राष्ट्रपति को आपको अपना इस्तीफा सौंपना पड़ेगा, आप काय के लिए 10-20 साल की रोड मैप बना रहे हो, काय का मीटिंगें ले रहे हो? निर्वाचन आयोग से हम लोग चुनाव के दौरान भी बात कर रहे थे, बाद में भी बात की है, लेकिन निर्वाचन आयोग तो एक तरीके से निष्ठुर है, कुछ भी जवाब देने को तैयार नहीं है। मैं दिखवाता हूं, इसके अलावा यहाँ के चुनाव आयुक्त के पास में कोई जवाब नहीं है। हमने प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से 26 शिकायतें हमने की थी राजस्थान से, एक का भी जवाब उन्होंने नहीं दिया, और हमने प्रमाण के साथ कहा था कि ये इस तरीके के बयान जो है वो आपकी गाइडलाइन के मुताबिक नहीं देने चाहिए थे और ये आचार संहिता का खुला उल्लंघन है, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ, आज तक तो कोई आया नहीं। आज देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हमें हिडन और गायब जेंटलमैन कहा गया, लेकिन फिर भी हमें वोटिंग परसेंटेज क्यों नौबत आई? 70 साल के इतिहास में ये नौबत क्यों आई कि उनको ये साबित करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है कि नहीं, हम गलत नहीं है, हम दबे हुए नहीं है, हम जो है एजेंडे में, बीजेपी के एजेंडे में शामिल नहीं है, हम सही हैं। और ज्यादा कहता है ना, मैं साहूकार, वही सबसे बड़ा चोर निकलता है। थैंक यू, नमस्कार।